नमस्कार दोस्तों, मैं कार्तिक नायक हूं और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में परिवहन सुविधा को सुलभ बनाने के लिए नगरीय प्रशासन विकास विभाग द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। मंत्रिपरिषद ने शहरों में सिटी बस सेवाओं के बुनियादी ढांचे के विस्तार और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के प्रदेश में संचालन का अनुमोदन किया है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि नगरीय क्षेत्रों में नागरिकों की सेवा के लिए परिवहन सुविधा का विस्तार किया जाए। इसके अंदर 552 बसें 6 शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन और सागर को मिली हैं। इंदौर को 150, भोपाल को 100, ग्वालियर को 70, जबलपुर को 100, उज्जैन को 100 और सागर को 32 पीएम ई बस संचालन की मंजूरी मिल गई है। बसों का संचालन संबंधित नगर निगम द्वारा किया जाएगा। बसों में ड्राइवर एवं कंडक्टर की सेवाएं ऑपरेटर द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में नागरिकों की नगर परिवहन सुविधा को देखते हुए केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय को इस मत में मांग के अनुसार आवंटन दिए जाने का अनुरोध किया था, जिसे केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया था। तो अब जल्द ही मध्य प्रदेश के 6 शहरों में इलेक्ट्रिक लोकल बस दौड़ने वाली हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की खबरों की खबर। देखते रहिए खबरी, क्योंकि खबरी की है हर खबर पर नजर। नमस्कार।